ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਥਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ जो कार्य हो रहा है पिछले कुछ समय तो कोई 2019 च राहुल गांधी जी ने एक कोलार कर्नाटका च एक रैली के दौरान कुछ लफ्ज कहे कि भारत जरा हिंदुस्तान भ्रिष्टाचार क्यों हो रहा है वो संबंधित कुछ उन्होंने लफ्ज कहे तो इन्होंने लग्या कि उन्होंने कहा कि भी सारे भी मोदियों वास्ते कोई ना कोई माड़ी गल कहेगी राहुल गांधी जी बट इस कोई यह जी गल नहीं सी इन्होंने एक परनेश पूतवाला इन्हों का विधायक है उन्होंने पहले तो परनेश पूतवाला ही लिखता से बाद चो अपने नाम मोदी लिख लग पाया तो उसने सूरत की कोर्ट केस करता मानहानि का कि सारे मोदियों झूठ कहा गया राहुल गांधी जी ऐसी कोई गल नहीं सी क्योंकि वो निरपक्ष होकर बोल रहे थे तो उस केस चलिया जो राहुल गांधी का मतलब उस केस पक्ष लिया गया तो राहुल गांधी ने जी आपकी स्टेटमेंट दी तो उन्होंने जो शिकायत करता से उन्होंने इंज लग्या कि भी इस केस कुछ निबड़ना नहीं उन्हें हाईकोर्ट जाके अपने उस केस कुछ अगलिया तरीका स्टे ले लिया 2 साल स्टे रहा स्टे जब फिर राहुल गांधी जी ने अडानी बारे लोग सभा पूछा कि अडानी ना मोदी साहब प्रधानमंत्री जी के की रिश्ते हैं तो उसका जो बवाल उठा तो उन्होंने फिर दोबारा उस जो शिकायत करता से उन्हें सूरत कोर्ट के जरा हाईकोर्ट स्टे लिया स्टे आपका वापस वकेट करा लिया और केस वास्ते दोबारा प्रोसीडिंग शुरू करवा के नवे जज साहब आ गए तो नवे जज साहब उन्होंने जल्दी 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 उस समय से जी केस की कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी जी ने इस मानहानि के इस 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी जो मैं समझना कि कदे अजिहा होया नहीं मानहानि के केसा च आपां मतलब भी कोई इन्नी कैद हो जाए जां मतलब मानहानि के केस इन्ने मतलब जल्दी उन्होंने नपेट करके मतलब मुकदी गल तो यह है कि राहुल गांधी की जवान जो लोग सभा च बोलते हैं मोदी साहब के ज सरकार दे तो सवाल पूछते हैं कि अडानी साहब ना थोड़े की संबंध हैं तुम वे घराने ही कारपोरेट लोगों ही क्यों कामयाब कर रहे हो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति है हिंदुस्तान के लोगों का जोड़ा सारा ये सिस्टम अडानी हो ही क्यों अडोप्ट कर रहे हैं क्योंकि छोटा किसान छोटा व्यापारी जरा भारत वर्ष के लोग है वह कमजोर हो रहे हैं अडानी पूरी मजबूत हो रहे हैं पैसे मजबूत हो रहे हैं काफ़ी अमीर हो रहे हैं वो ये सवाल का जवाब जो उन्होंने पूछा गया तो इस गल का बवाल बना के उन्होंने जो मानहानि का केस का दोबारा उसको रिव्यू करके राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी गई वो सज़ा इस करके दी गई है कि वो लोग सभा च मतलब क्यों बोलते हैं उन्होंने ये खमियाजा इस करके भुगतना पाया कि वो लोगों की भारत के लोगों की आवाज़ बन के बोलते हैं इस करके इस गल का उन्होंने खमियाजा भुगतना पाया और जल्दी जल्दी उन्होंने लोग सभा की सदस्यता रद्द करती उन्होंने मतलब जो रहायश है जो 12 करोड़ वो भी उन्होंने खाली करने वास्ते नोटिस दिता क्योंकि 6 महीने का समा हों पर हमने ही उन्होंने कहा कि रहायश भी खाली की जाए ये लोकतंत्र का जो गला घुटाया जा रहा है जो केंद्र की सरकार वालों मोदी साहब की सरकार वालों ये सरासर गलत है असी ये सब यही मांग करते हैं कि ये न्याय होना चाहिए सियासी तौर पर आप सब एक दूजे मतलब किसी कुछ भी बोलिया भी जाता है कई बार पर इन्नी जल्दी इं अजिहा करना बिल्कुल संविधान के उल्ट है संविधान दी कदर कीमतों के उल्ट है इस गल नूं संविधान नूं भी दबाया जा रहा और गल करन वाले नूं भी दबाया जा रहा दबाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए इस करके असीं ये अज प्रैस कॉन्फ्रेंस रोस वजो कर रहे हैं कि ये जो ये ऐसा जिहड़ा मतलब काम कार जिहड़ी नवीं पिरत पाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है और पिछले समय कई वड्डियां स्टेजां वड्डियां लोग सभा च बोलते रहे मोदी साहब नहीं तो मतलब अडवाणी साहब भी बोलते रहे वाजपेयी साहब बोलते रहे वाजपेयी साहब की एक क्लिप आई है उन्होंने कहा कि मैं नेहरू साहब को एक सवाल किया मैं पहली बार एमपी बने से छोटी उम्र का सी पिछे बैठा सी मैं सवाल किया तो सख्त सवाल से बट नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए उस गल का वह कहते तू बहुत अच्छा सवाल है तेरा तू बड़ा अच्छा आदमी है तो मुस्कुराते हुए उन्होंने मतलब गल का जवाब दिता ये जिहड़ा सारा यह मैं सुना बदले की राजनीति है इसको बंद करना चाहिए ये अच्छी गल नहीं ये माड़ी फिरत है क्योंकि ये जिहड़ियां गरिमा है जिहड़ी लोक सभा की
राजनीति की गरिमा है या पत्रकारी की गरिमा है ये जी इस करके मतलब ये डाउन नहीं होनी चाहिए। इस करके असं चाहते पत्रकार जी पत्रकारी है या पत्र ये भी याद होनी चाहिए, अपोजिशन भी याद होनी चाहिए। सवाल कोई भी किसी को कुछ पूछा जा सकता वह वाजिब जवाब देना चाहिए, ना कि आप किसी की आवाज में दबाइए, दबा नहीं चाहिए। दबा दे कई गल हो माड़िया हो जाए। इस संबंध में असी सारे कांग्रसी सारे असं एन सी साहबान इकट्ठे होकर और सारा मैं समझा सारे भारत से इस गल का रोस हो रहा है। रोस यात्रावान क्ढ़िया जा रही हैं, रोस मार्च किया जा रहा है, मशाल रोस सदभावना और मतलब सत्याग्रह के तौर पर असी ये आवाज़ में असी पहुँचा चाहते देश के लोगों को कि यह जी पिरत है ये गलत है, ए नहीं करना चाहिए। इस नाल साडे दिलों में ठेस पहुँची है, भारत वासी के लोगों का भी इस गल उन्होंने भी इस गल ठेस मंग असं ये करते हैं कि यह मतलब सजावं देनिया है जां कोई मतलब मानहानि के केसा च कोई ऐसी मतलब सज़ा नहीं होनी चाहिए। कोई ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने कोई मतलब देश के लोगों वास्ते गल की है, ना कि किसी नूं मतलब टारगेट करके गल की गई है। टारगेट नहीं किया गया, देश के लोगों की गल है, देश के हित की गल की गई है। अजिहियां गल्लां च इस गल च हौसला अफजाई होनी चाहिए सगों कि ना कि अजिहा मतलब करना चाहिए कि जी बदले की राजनीति हो रही है। इस दे रोस वजह से थोड़ा असं मानयोग प्रैस कॉन्फ्रेंस कर प्रैस कॉन्फ्रेंस के मानयोग थानू बुलाया गया सत्कारयोग सारियां नूं, ते इह असीं आपदा रोस तुहाडे राहीं सरकार को जाहिर करना चाहते हैं, देश की गल रखनी चाहते हैं।